नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण विकास एवं कृषि संबंधित योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री आवास योजना अगस्त 2007 से लागू है। इसका उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों को अपना मकान बनाने में सहायता देना जो इंदिरा आवास योजना की परिधि में नहीं आते हैं। ठीक है, फिर है स्वजलधारा योजना। यह केंद्र सरकार की योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए दिसंबर 2002 में शुरू की गई थी। ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू होने वाली इस योजना के अंतर्गत ग्रामवासियों को कुएं, बावड़ी बनाने व हैंडपंप लगाने के लिए होने वाले व्यय का 90% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और ग्रामीणों को ग्रामीण वासियों को मात्र 10% राशि की का ही वहन करना होता है। यह योजना निम्नलिखित दो श्रेणियों में संचालित है। स्वजलधारा फर्स्ट, इसके अंतर्गत किसी भी गांव को इस योजना का लाभ उठाने का अधिकार दिया जाता है। और स्वजलधारा सेकंड, इसके अंतर्गत पूरे जिले के सभी गांव योजना में भाग लेते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि उस जिले के आधे से अधिक गांव इसके लिए सहमति प्रदान करें। इसके लिए राज्य सरकार का भारत सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करना होता है। फिर है मेरी खेती अंगली है, मेरी खेती मेरी माटी योजना। यह मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई मनरेगा के माध्यम से लागू होने वाली इस योजना का उद्देश्य खेती को लाभ का धंधा बनाना है। योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों के निजी खेतों के समतलीकरण, खेतों में तालाब निर्माण जैसे कार्य इसके अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से कराए जाएंगे। यह योजना विजन मनरेगा 2018 में शामिल किया गया है। इसे करें पंच परमेश्वर योजना। यह योजना 9 जनवरी 2012 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य है गांव में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, गांव में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ग्रामवासियों का आर्थिक विकास। तरह सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना। यह योजना 2001 2000 2000 सन 2000 2001 से प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी तिलहनी खाद्यान्न फसलों का के उन्नत बीज उपलब्ध कराकर उत्पादकता उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना मध्य प्रदेश में लागू है। फिर खेत तालाब योजना। यह योजना 12 22 मई 2006 से आरंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य धरातलीय एवं भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ाकर कृषि का समग्र विकास करना है। इस योजना के हितग्राही समस्त वर्गों के कृषक को हो सकते हैं। यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। इस योजना के अंतर्गत 3 विभिन्न प्रकार के मॉडलों में से किसी एक मॉडल के तालाब के निर्माण हेतु लागत का 50% अनुदान प्रदान किया जाता है, किंतु इसकी अधिकतम राशि 16,350 रुपये तक होती है। अगली है बलराम ताल योजना। यह योजना मई 2007 से प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य वर्षा के बह जाने वाले जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई सुविधा का विकास करना है। बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के लिए के आधार पर पात्रता अनुसार निम्न अनुदान दिए देने का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40%, अधिकतम 80,000 रुपये, लघु सीमांत कृषकों के लिए लागत का 50%, अधिकतम 80,000 रुपये।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 75% अधिकतम 1 लाख रुपये। बलराम ताल बड़े आकार के तालाब होते हैं जो 50 हेक्टर तक की भूमि सिंचाई कर सकते हैं। फिर है मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना। वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को राज्य के बाहर तथा अपने प्रदेश में ही चयनित उन्नत कृषि केंद्रों, क्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण तथा प्रगतिशील किसानों के साथ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन दिलवाया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में 16,000 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। फिर है किसान मित्र योजना। ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा के अंतर्गत संचालित कृषि मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रत्येक 2 आबाद गांवों पर एक कृषक मित्र चयनित कर उन्हें कृषि तकनीकों और योजनाओं की जानकारी देकर प्रशिक्षण किया जाता है। विभागीय सूचनाओं से उन्हें अवगत रखा जाता है तथा भ्रमण प्रशिक्षण एवं मेलों में इन्हें प्राथमिकता से आवंटित किया जाता है। किसान मित्र अपने ग्राम के लिए किसानों और विभाग के मध्य समन्वय के रूप में सहयोग देते हैं। इस प्रकार स्थानीय भाषा में तकनीकी का प्रसार किसानों तक सरलता से होता है। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे किसान साख पत्र भी बोलते हैं। योजना का उद्देश्य है सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई साख सीमा क्रेडिट लिमिट में कृषकों को सफलतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराना। योजना का स्वरूप सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने कृषक सदस्यों के लिए एक अधिकतम साख सीमा निर्धारित की जाती है और उन्हें इस सीमा के भीतर साख पत्र जारी किया जाता है। सदस्य इस साख पत्र के आधार पर आवश्यकता अनुसार अग्रिम ले सकते हैं। पात्र हितग्राही ऐसे कृषक जो सहकारी साख समिति का सदस्यों और कृषि कार्यों के लिए समिति से आदान ऋण प्राप्त करते हों। फिर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, नीले राशन कार्ड धारी परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों से हर माह 20 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इन परिवारों को गेहूं 3 रुपये किलोग्राम तथा चावल 4.5 रुपया किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। फिर है गो सेवक योजना। यह योजना समस्त वर्गों के हितधारकों के लिए, हितग्राहियों के लिए 1997 में संचालित की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक गौ सेवक नियुक्त किए जाते हैं। योजना का उद्देश्य है ग्रामीण अंचलों में पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है इसका। फिर है आसरा। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा आरंभ किया गया यह नवाचार बेसहारा पशुओं को उपचार व आशय के माध्यम से राहत प्रदान करना। आसरा के अंतर्गत आश्रय स्थल में श्वानों की नसबंदी, एंटी रेबीज टीकाकरण भी किया जाता है। फिर रानी खेत उन्मूलन योजना। कुक्कुटों में रानी खेत एक भयानक बीमारी है जिसमें बड़ी संख्या में कुक्कुट मारे जाते हैं। इस रोग के रोकथाम हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रतिरोधात्मक टीका लगाया जाता है। फिर नंदीशाला योजना वर्ष 2006 से संचालित है और योजना के सभी वर्गों के लिए तथा प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु चयनित गौशालाओं एवं दुग्ध
समितियों को प्राकृतिक गर्भाधान के लिए अनुदान के आधार पर देसी वर्णित नस्ल की सांडों की के प्रदान किया जाता है। अंगलीय सहकारी डेयरी कार्यक्रम, सहकारी डेयरी कार्यक्रम योजना का उद्देश्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध का उचित मूल्य पर संकलित करते हुए उन्हें पूरे वर्ष के वैकल्पिक रोजगार का साधन एवं तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना, शहरी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर पाश्चुरी के दूध एवं दुग्ध उत्पादन उत्पाद उपलब्ध कराना। इस योजना के हितग्राही वे समस्त ग्रामीण दुग्ध उत्पादक हो सकते हैं जो अपने क्षेत्र के दुग्ध संघ के अंतर्गत आने वाले दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य हैं। फिर मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, मध्य प्रदेश सरकार खरीफ 2017 से देश में पहली बार मुख्यमंत्री भावांतर योजना पूरे प्रदेश में आठ फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर पर लागू करने जा रही है। इस योजना में इसके पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को निश्चित अवधि में प्रदेश की मंडियों में विक्रय करने किए गए इन कृषि उत्पादों पर उक्त फसलों की जिले की उत्पादकता की सीमा तक न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान की विक्रय दर के अंतर की राशि राज्य सरकार किसान के बैंक खाते में जमा कराएगी। इस योजना के लिए 3500 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं जहां गेहूं और धान के ई उपार्जन के लिए पंजीकरण किया जाता है। मुख्यमंत्री भावांतर योजना भुगतान योजना के पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन 11 सितंबर इस योजना में नियत अवधि में विक्रय करने की बजाय बाद के संभावित बेहतर बाजार मूल्य के लिए अपनी फसल लाइसेंसी गोदाम में 4 महीने रखने पर गोदाम भंडारण अनुदान का भी प्रावधान रखा गया है। फिर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, 25 अप्रैल 2017 को कृषि प्रयोजन के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में बिजली पहुँचाना है जहाँ बिजली की उपलब्धता नहीं है, साथ ही डीजल का उपयोग कर सिंचाई करने वाले किसानों को वित्तीय भार से बचाना, विद्युत वितरण कंपनी के अस्थायी विद्युत कनेक्शन की संख्या में कमी लाना, डीजल पंप से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। अन्य उद्देश्यों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना, कुशल सिंचाई विधियों के माध्यम से भूजल संरक्षण करना भी है। इस योजना के तहत कृषि कार्यों के लिए कृषकों को सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी। कृषकों को 3 HP तक के सोलर पंपों में पर 90% सब्सिडी दी जाएगी। 3 से 5 HP तक के लिए 85% अनुदान प्राप्त होगा, जबकि 5 HP से अधिक क्षमता के सोलर पंप पर 5 HP का राज्य अनुदान एवं निर्धारित केंद्र अंश लागू किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक के पास स्वयं का जल स्रोत होना चाहिए आवश्यक है, जैसे कि बोरवेल, कुआ, नदी, स्टाप, डैम। फिर कृषि उद्यमी योजना, मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2017 में कृषक उद्यमी योजना नामक एक ऋण योजना प्रारंभ की। यह योजना किसानों के बेटे एवं बेटियों के लिए एक उद्यमिता योजना है। इस योजना में सरकार किसानों के बच्चों और बेटी बेटियों को सस्ती दरों पर 10 से 2 करोड़ तक का ऋण 15% अनुदान के साथ उपलब्ध कराएगी। फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, कृषकों की कृषि उपज के ऑनलाइन विक्रय हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का लक्ष्य पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने, जिससे किसी भी स्थान से दूसरे स्थान हेतु कृषि उपज की आवाजाही का तथा विपणन आसानी से व कम समय में हो। इसका सीधा लाभ कृषकों, व्यापारियों एवं ग्राहकों को मिल सके। फिर है क्या जय किसान
माफी, जय किसान माफी 22 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में किसानों हेतु फसल ऋण माफी योजना है। शुभारंभ रतलाम जिले में से प्रथम चरण के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश के 25,49,451 किसानों के 10,123 करोड़ रुपए की ऋण राशि माफी की गई है। तो याद रखना, जय किसान माफी योजना किसानों के ऋण से संबंधित है, माफ से, और 22 फरवरी 2019 को लागू की गई। फिर है फसल गिरदावरी ऐप 2017-18 में। इस योजना से पटवारियों को उनके ग्राम के समस्त भू स्वामियों के सभी भू अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी और उसके द्वारा कृषक से संपर्क करके फसल की जानकारी अपलोड की जा सकती है। साथ ही मोबाइल पर संदेश के माध्यम से कृषक को इसकी जानकारी प्राप्त होगी। फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना इस 14 अप्रैल 2016 से लागू है। भोपाल की कनौंदी मंडी से प्रारंभ हुई थी। फिर दीनदयाल वनंचल सेवा 20 अक्टूबर 2016 से। सुदूर वनांचलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों व योजनाओं का लाभ वनवासियों तक पहुंचाना है इसका उद्देश्य। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 18 फरवरी 2016 से प्रारंभ की गई। सीहोर से शुभारंभ हुआ था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता एवं बीमा राशि उपलब्ध कराना, याद रखना, 18 फरवरी 2016 से सीहोर से शुरू हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16 में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। फिर माइक्रो इरिगेशन योजना सिंचाई सुविधाओं का विस्तार से संबंधित है, 2015-16 में स्टार्ट हुई। फिर मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014 से किसानों के घर से उनके खेतों तक सड़क बनाना, जिससे किसानों को उनके खेतों तक पहुंचाने में सुगमता होती है। इसके अंतर्गत मनरेगा योजना के मजदूरों से काम कराया जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री मंडी हम्बाल एवं तोलावटी सहायता योजना, ये 2008 में शुरू की गई थी। प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञप्तियों हम्बाल एवं तोलावटी के उद्धान हेतु है। फिर है जलदीप योजना, पुराना नाम है इसका मोबाइल आंगनवाड़ी योजना, 2007 में शुरू की गई। मछुआरों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य जलदीप योजना का। फिर है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना 2 जून 2004 को शुरू की गई। ग्रामीण स्तर पर आजीविका के सतत अवसर विकसित कराना है। फिर अगली है गोकुल ग्राम योजना 25 सितंबर 2004 से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के गांवों को गोकुल ग्राम में परिवर्तित करना है उसका उद्देश्य। फिर शिल्पी कल्याण योजना 2013 में शुरू की गई। शिल्पियों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, अनुदान पर स्वास्थ्य बीमा, महिला शिल्पियों एवं शिल्प बुनकर परिवारों की बेटियों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। फिर आवास सहायता योजना 11 सितंबर 2013 को गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान करना है। फिर कारीगर स्वरोजगार योजना जून 2013 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना में 10,000 रुपये तक की इकाई के लिए 5,000 रुपये तक मार्जिन मनी सहायता और शेष ऋण राशि 5,000 तक बैंक को देय ब्याज के लिए 100% अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। फिर अब बात करते हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित योजना जो है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना
राज्य सरकार की योजना है, सितंबर 2004 में लागू की गई। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के समस्त वर्गों के परिवारों को बीमारी की अवस्था में निःशुल्क सेवापूर्ण सेवाएं, जांच व इलाज उपलब्ध कराना। यह सुविधा केवल उन मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है जो सरकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं। अगली है जननी सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को संस्थागत पेशों हेतु प्रोत्साहित करने, मात एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लागू हुई। यह योजना मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। अगली है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। 26 मई 2006 से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। योजना के अंतर्गत एक चलित वाहन में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, आवश्यक उपकरण एवं दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह वाहन आदिवासी क्षेत्रों के हाट बाजारों एवं गाँव में सभी वर्ग के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। फिर है जननी एक्सप्रेस योजना, वर्ष 2006 में लागू हुई। इसका उद्देश्य गर्भवती स्त्रियों को 24 घंटे परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है जिससे उन्हें किसी भी समय अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। प्रसूति के पूर्व व उपरांत दोनों ही स्थितियों में आपातकाल में यह सेवा स्त्रियों को उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपचार योजना के हितग्राहियों व बीमार बच्चों को यह भी सुविधा उपलब्ध है। फिर कौन सी संजीवनी, संजीवनी 108। उद्देश्य प्रदेश के जन सामान्य के लिए घर से अस्पताल व अस्पताल से घर जाने तथा आपात स्थितियों में संभव चिकित्सीय सेवाएं, जिसमें जीवन रक्षक सेवाएं भी सम्मिलित हैं, त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के प्रयोजन से 108 एम्बुलेंस सेवा वर्ष 2009 से संचालित है। सेवा को अब संजीवनी 108 नाम दिया गया, जो एक केंद्रीय कॉल सेंटर द्वारा नियंत्रित है। इसका टोल फ्री नंबर है 108, ठीक है, याद रखना। फिर है जननी सहयोगी योजना। मध्य प्रदेश में यह योजना 2006 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं व नवजात शिशुओं को अप्रमाणित निजी संस्थाओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपातकाल प्रसूति सेवाएं, बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल सेवाएं, सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करना है। आगे बात करते हैं, इसी योजना की विशेषता यह है, इसमें सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी सेवा प्रदाताओं का सहयोग लिया जाता है। इस योजना की हितग्राही BPL परिवारों की गर्भवती महिलाएं एवं बीमार नवजात शिशु होते हैं। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यह भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है। 5 अप्रैल 2007 से 7 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया। यह योजना वैसे तो संपूर्ण भारत में लागू है, किंतु इसका विशेष केंद्रीकृत मध्य प्रदेश सहित कुल 18 राज्य में। इसका उद्देश्य है भारत के गाँव में निवास करने वाले लोगों को आसानी से सुलभ, कम खर्च पर प्रभावशाली एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। फिर जननी सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं जन्म से 30 दिन तक के लिए निःशुल्क सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। फिर मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। उद्देश्य है इसका, प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय नव उपचार योजना 14 जुलाई 2011 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 0 से 15 वर्ष के बच्चे
तथा ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्ध नहीं है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है, वे इस योजना के पात्र होंगे। ऐसे बच्चों का हृदय रोग से संबंधित शासकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। इस हेतु पिति प्रकरण अधिकतम 1,00,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, अब यह अगली है मंगल दिवस योजना। कौन सी? मंगल दिवस योजना। यह योजना 2007-08 से में प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, सुरक्षित प्रसव, मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बाल कुपोषण में कमी लाना, किशोरी बालिकाओं की उचित देखभाल करना। इसके अंतर्गत प्रथम मंगलवार को गोद भराई, द्वितीय मंगलवार को अन्नप्रैशन, तृतीय मंगलवार को जन्मदिवस कार्यक्रम और चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला है अंतरा योजना। अंतरा योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2017 को मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के जन्म में अंतराल रखने एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना। ठीक है, फिर है थर्ड मील टिफिन। इस योजना के अंतर्गत अति कुपोषित बच्चों को विद्यालय की ओर से उनके घर रात का टिफिन प्रदान किया जाता है। यह योजना अटल बाल आरोग्य मिशन के अंतर्गत संचालित है। फिर है बाल संजीवनी अभियान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने एवं उसके निदान हेतु वर्ष 2001 से बाल संजीवनी अभियान चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट मुस्कान। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में प्रोजेक्ट मुस्कान चलाया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य जांच एवं उपचार शिविर आयोजित किए गए। इन स्वास्थ्य शिविरों में 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों, किशोरियों, किशोर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं के संबंधित रोगों का परीक्षण व उपचार की व्यवस्था की गई है। अगली है ममता अभियान। ममता अभियान मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रैल 2013 में यूनिसेफ और NHRM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के सहयोग से ममता अभियान का शुभारंभ किया गया। ममता अभियान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु चलाया गया अभियान है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। यह अभियान मध्य प्रदेश में माता व शिशु के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को फैलाएगा, जिसमें मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। फिर प्रोजेक्ट शक्तिमान। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विशिष्ट आदिवासी और कुपोषण ग्रस्त क्षेत्रों में कुपोषण को कम करने के लिए प्रोजेक्ट शक्तिमान चलाया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी बहुल ग्रामों एवं अन्य कुपोषण ग्रस्त बच्चों एवं महिलाओं के कुपोषण में तीव्र गति से कमी लाना है। फिर है अनमोल ऐप। अनमोल ऐप प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्य की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए अनमोल ऐप का शुभारंभ 25 मई 2017 को किया। इस ऐप के माध्यम से गर्भवती माता व शिशु 24 माह तक का शिशु के टीकाकरण पर ऑनलाइन नज़र रखी जाएगी। फिर आयुष्मान मध्य प्रदेश निरामय योजना। तो ये 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ हुआ है। प्रदेश में यह योजना आयुष्मान मध्य प्रदेश निरामय के नाम से लागू हुई की गई है। योजना का उद्देश्य ग्राम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच निर्धन वर्ग के लोगों तक सुलभ कराना बनाने के साथ स्वास्थ्य सुविधा कवच उपलब्ध कराना है। योजना में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत
जनगणना में चिन्हित लोगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में समग्र और सबल हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिलेगा। फिर निःशुल्क डायलिसिस योजना, इसका प्रारंभ 2016 से हुआ है। प्रदेश में समस्त जिलों में निःशुल्क डायलिसिस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है इसका। फिर लालिमा अभियान 1 नवंबर 2016 से, प्रदेश में बच्चों बालिकाओं महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्त कराना है। फिर मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना 2015-16 में, 5 वर्ष तक के समस्त जन्मजात श्रवण बाधित बच्चे एवं विशेष परिस्थिति में विशेष चिकित्सक के अभिमत के उपरांत अधिकतम 7 वर्ष तक के हितग्राहियों को उपचार प्रदान करना है। फिर ममता अभियान 2015 में शुरू है। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाना है इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए अगला है कैंसर कीमोथेरेपी योजना। ये 5 फरवरी 2014 से लागू है। सभी जिलों में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गई, जिसमें 19 प्रकार की पित्ती कैंसर औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 से प्रारंभ है। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, ये 2010 से प्रारंभ है। बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम तथा 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। फिर मंगल दिवस योजना 2007 से, पोषण आहार योजना के अंतर्गत नवीन कार्यक्रम क्रमशः प्रथम मंगलवार को गोद भराई, द्वितीय मंगलवार को अन्न प्राशन, तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस कार्यक्रम, चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस के रूप में आयोजित किए जाएंगे। फिर अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं के बारे में। लाडली लक्ष्मी योजना, समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक अवधारणा का विकास करना। राज्य शासन द्वारा बालिकाओं के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार करना और उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना। बालिकाओं का लिंगानुपात सुधारना। बालिकाओं का उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। पात्रता हेतु यह योजना 1 जनवरी 2006 के पश्चात जन्म लेने वाली उन बालिकाओं के लिए है जिनके माता पिता ने 2 जीवित बच्चों के रहते हुए परिवार नियोजन अपना लिया है। बालिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए। उनके माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसंबर 2016 तक 220,125 बालिकाओं को लाभान्वित कर 596 करोड़ रुपए व्यय किए गए। लाडली लक्ष्मी योजना को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने 26 जून 2018 को मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन विधेयक 2018 पारित किया है। फिर बात करते हैं ऊषाकरण योजना। यह योजना उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के सघन प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शुरू की गई है। मध्य प्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना है, जो वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई। यह योजना घरेलू हिंसा, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आर्थिक दुर्व्यवहार आदि रूपों में से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए है। फिर है अगली है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। यह योजना सितंबर 2013 में प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ लागू किया गया। यह योजना एक विकेंद्रीकृत योजना है जिसका संचालन जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर प्रचार प्रसार के माध्यम तथा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से पात्र महिलाओं के चयन के लिए आवेदन पत्र आवंटित किए जाते हैं। आपात स्थितियों की महिलाओं को
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना बनाई गई, जिसमें वह अपना तथा अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। फिर है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। यह योजना 2006 में लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को नवीन एवं समुन्नत आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु लघु वित्त उपलब्ध कराना और इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह योजना मध्य प्रदेश के कुल 6 जिलों बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में लागू है। फिर है गोरवी केंद्र का शुभारंभ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और संरक्षण की दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान और लाडली लक्ष्मी जैसी अभिनव योजनाओं के बाद अब एक और महत्वपूर्ण कदम के तहत 16 जून 2014 को राजधानी भोपाल में देश के पहले एकीकृत संकट समाधान केंद्र वन स्टॉप क्राइसिस रिजुलेशन सेंटर गौरवी का प्रारंभ किया गया। इस प्रथम गौरवी केंद्र का शुभारंभ भोपाल के जय विकास चिकित्सालय में प्रख्यात अभिनेता आमिर खान ने किया है। OSCC के तहत स्थापित गौरवी केंद्र मध्य प्रदेश सरकार एवं एक्शन एड की संयुक्त कार्य योजना है। गौरवी केंद्र में मुख्य रूप से हिंसा और बलात्कार की शिकार महिलाओं की मदद की जाती है। आगे बात करते हैं। स्वागतम लक्ष्मी योजना महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए स्वागतम लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी 2014 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को अब जन्म से जीवन के अंत पड़ाव तक सरकार की ओर से सुरक्षा और सुविधाएँ मिल सकेंगी। स्वागतम लक्ष्मी योजना नामक इस कार्यक्रम में माता के गर्भ में पल रही नवजात विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाली छात्राएं, घरेलू कामकाज एवं श्रमिक महिलाएं इत्यादि लक्षण समूह शामिल होगा इस समूह में। इसके साथ ही चिकित्सालय में बालिका जन्म के बाद जच्चा बच्चा का स्वागत, मेधावी बालिकाओं का सम्मान, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का प्रोत्साहन, महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान, संवेदनशील पुरुषों का सम्मान, शाला महाविद्यालय पंचायत में महिला प्रतिनिधियों का सम्मान स्वागत भी इस योजना के महत्वपूर्ण अंग होंगे। अब बात करते हैं आगे बेटी बचाओ योजना। 2015 में बेटी बचाओ अभियान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कि व्यक्तिगत नेतृत्व के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा की गई पहल है। लड़कियों के लिंग अनुपात में जारी गिरावट को रोकना और उससे जुड़े सामाजिक असर और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर शौर्य दल मध्य प्रदेश महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शौर्य दल इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 तक महिला हिंसा मुक्त ग्राम बनाने की दिशा में वन स्टॉप क्राइसिस केंद्र की रूप में कार्य करेंगे। शौर्य दल को मार्च 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है। याद रखिए एडवोकेसी एंड एम्पायरमेंट। राज्य में 20,204 शौर्य दलों का गठन किया गया है। फिर लाडो अभियान समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण बाधित हुआ है। इससे बालक एवं बालिकाओं का उनके कई अधिकारों से वंचन हो जाता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, बच्चों के जीवन की सुरक्षा, महिला के स्वास्थ्य में सुधार को प्राप्त करने के लिए बाल विवाह को शून्य करना आवश्यक है।
लाड़ू अभियान के अंतर्गत 81,724 बाल विवाह संपन्न होने की पूर्ण परामर्श समझाइश से रोके गए। 3,601 बाल विवाह स्थल पर रोके गए। 170 प्रकरण थाने में दर्ज कराए गए। प्रधानमंत्री जी द्वारा लाड़ू अभियान को वर्ष 2014 के लिए के प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है कौशल्या योजना। महिलाओं के कौशल संवर्धन हेतु इस योजना में 2,00,000 महिलाओं को प्रतिवर्ष अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के सम्मान समानता सुरक्षा सहभागिता सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास हेतु है। यह योजना 48 जिलों में लागू होगी। मुख्यमंत्री निकाह योजना अगली है। मुख्यमंत्री निकाह योजना यह 1 अप्रैल 2006 से लागू है। गरीब जरूरतमंद निराश्रित निर्धन मुस्लिम परिवारों की विवाह योग्य कन्या विधवा परित्यक्ता की निकाह हेतु 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगी। फिर सौभाग्यवती कन्या योजना ये 2004 से प्रारंभ है। अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता है। फिर है ज्वाली योजना 1992-93 में लागू हुई थी। ज्वाली योजना मध्य प्रदेश में कुछ विशेष पिछड़ी जातियों जैसे बेडिया बछड़ा सासी में वैश्यावृत्ति की कुप्रथा का उन्मूलन करना है। याद रखिए वैश्यावृत्ति के कुप्रथा का उन्मूलन से संबंधित है ज्वाली योजना 1992-93 में शुरू की गई। फिर आयुष्मती योजना 1991 में शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराना है इसका मुख्य उद्देश्य। फिर पंचधारा योजना 1 नवंबर 1991 से प्रारंभ है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं का कल्याण एवं विकास करना है। इस योजना में निम्नलिखित 5 योजनाएं शामिल हैं। आयुष्मती योजना कल्प वृक्ष योजना ग्राम योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा वात्सल्य योजना। ठीक है आगे सावित्री बाई फूले स्वयं सहायता समूह योजना ये 27 जून 2015 से शुरू है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं को नए व्यवसाय की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगले मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना ये 2018 से शुरू हुई। मध्य प्रदेश में विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु है। ठीक है फिर मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना ये भी 2018 से शुरू हुई। 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं कल्याणियों को 300 रुपये की वार्षिक पेंशन प्रदान की जाएगी। फिर मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013 से ऐसे दंपति जिनकी केवल एक कन्या है तथा उनको संतान के रूप में कोई पुत्र नहीं है और वो आयकर दाता ना हो तब उस दंपति में किसी की आयु 60 वर्ष हो तो 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। ठीक है अब बात करते हैं अन्य योजनाओं के बारे में। अन्य योजनाएं रुक जाना नहीं योजना ये राज्य शासन ने 28 मई 2016 को राज्य मुक्त शिक्षा परिषद के रुक जाना नहीं योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है। योजना से संबंधित आंकड़े वार्षिक परीक्षा फल कक्षा 10वीं 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का डाटा परीक्षण केंद्र संबंधी जानकारी आदि माध्यमिक शिक्षा मंडल ओपन स्कूल बोर्ड के साथ साझा करेगा। लोक शिक्षण संचालनालय योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक समन्वय सहयोग करेगा। फिर ग्रामोदय से भारत का उदय अभियान 14 अप्रैल 2016 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर उनकी जन्म स्थली मध्य प्रदेश के महू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक समरसता पंचायती राज की मजबूती गांव का विकास और किसानों की प्रगति के लिए ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना में सामाजिक समरसता कार्यक्रम ग्राम किसान सभा ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित 11 दिन के इस कार्यक्रम का समापन 24 अप्रैल 2016 को झारखंड के
जमशेदपुर ग्राम सभा का आयोजन करके किया गया है। अगली है दीनदयाल रसोई योजना। कौन सी? दीनदयाल रसोई योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों हेतु दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल 2017 को ग्वालियर से किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। यह योजना प्रदेश के 51 जिलों में से 49 जिलों में मुख्यालयों में लागू की गई, लेकिन अब 52 जिले हो गए 2019 में की बात कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर 2018 को 52 जिला निवाड़ी बन गया है। ठीक है, फिर है आनंदम योजना। 14 जनवरी 2017 को निर्धन और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता हेतु आनंदम योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश को इस अद्वितीय पहल को आनंद विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। आनंदम योजना के तहत आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति जैकेट, साड़ी, कंबल, बर्तन, वस्त्र आदि वस्तु निर्धन लोगों को दान कर सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में ऐसे स्थान नियत किए हैं जहां आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति गरीब व्यक्तियों के लिए उपयोगी वस्तुएं दान कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वेच्छा से काम करने वाले स्वयंसेवी को आनंदक नाम दिया गया। इस संदर्भ में आनंद उत्सव 14 से 21 फरवरी 2017 तक मनाया गया। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्यारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से 1 मई 2016 को किया गया। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। अगली है माँ तुझे प्रणाम योजना मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा अप्रैल 2017 में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवा युवतियों में देशभक्ति, देश की सीमा सुरक्षा के प्रति जागृति लाने, राष्ट्र के प्रति समर्पण व साहस को जागृत करने तथा युवाओं को सेना व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य गतिविधियों से अवगत कराना है। फिर पोस्टमैन मोबाइल ऐप। मध्य प्रदेश डाक विभाग ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी टाइमिंग और अपडेशन हेतु पोस्टमैन मोबाइल ऐप की शुरुआत की है 2017 से। अपना थाना अपना गांव योजना। मध्य प्रदेश में अपना थाना अपना गांव योजना की शुरुआत 9 अप्रैल 2017 को भेड़ाघाट जबलपुर पुलिस द्वारा की गई। यह देश का तथा प्रदेश का पहला पुलिस थाना है जहां ऐसी योजना शुरुआत की गई है। फिर है डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत 14 जनवरी 2017 को वित्त मंत्री जयंत मलेरिया ने इंदौर में की थी। मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री तब तत्कालीन थे, ठीक है याद रखें। इस योजना का उद्देश्य लोगों के बीच कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने व उन्हें डिजिटल युग के प्रति जागरूकता करना है। फिर है नर्मदा सेवा यात्रा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा संरक्षण उसे प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से चलाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी संरक्षण कार्यक्रम है नर्मदा सेवा यात्रा। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक में नर्मदा नदी के दक्षिण तट से हुआ तथा 15 मई 2017 को अमरकंटक में नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर कार्यक्रम का समापन किया गया। फिर बंधन योजना ये 15 जुलाई 2019 को, याद रखिए बंधन योजना 15 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के आदिवासी बुनकरों हेतु है। योजना का शुभारंभ बड़वानी जिले से हुआ है। योजना के तहत पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासियों बुनकरों को चंदेरी, महेश्वर और बाग पेंट के विशेषज्ञों द्वारा 6 माही निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद आदिवासी बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्पादन शुरू करने के लिए ग्रांट राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। ट्राइफेड द्वारा बुनकरों के उत्पाद का देश विदेश में बिक्री के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बुनकरों का
आर्थिक उत्थान और आदिवासी बुनकरों को समाज में प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। फिर है इंदिरा गृह ज्योति योजना, 1 अप्रैल 2019 से मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली स्थानीय निवासियों को सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध करवाना। इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली के बिल में उपभोक्ता को 100 रुपये देने होंगे। ठीक है, इंदिरा गृह ज्योति योजना। फिर है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, 9 फरवरी 2019 से मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों 21 से 30 आयु वर्ष के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है तथा जीवन यापन की तत्कालिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक युवाओं को सार्थक योजना रोजगार के अवसर प्रदान करना है। फिर है संबल योजना, 3 जुलाई 2018 से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। फिर है अपनी बस सूत्र सेवा योजना, ये 23 जून 2018 से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से मध्य प्रदेश की अपनी बस सूत्र सेवा अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई। यह बस सेवा मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ की जाएगी। फिर है चरण पादुका योजना, ये 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली से शुभारंभ हुआ है। इसका तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध कराना हेतु है। फिर है सौभाग्य योजना, 22 दिसंबर 2017 को गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, फिर है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, जून 2017 में शुरू की गई है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणित विज्ञान वाणिज्य संबंधी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराना है। फिर निःशुल्क साइकिल फिदा योजना, बस 16-17 में उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शासकीय विद्यालय नहीं है वहां 9वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। फिर है उजाला योजना, 30 अप्रैल 2016 से 9 वाट क्षमता के LED बल्बों का वितरण करना है इसके तहत। फिर है मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना, ये 15-16 से हुई चालू, शिल्पियों को रोजगार समर्थन से संबंधित है। फिर है अनुसूचित जाति राहत योजना, 2015 जून 2015 से प्रारंभ हुई। अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति अपनी विपन्नता अथवा असहाय अवस्था के कारण संकट में होते हैं तथा तत्कालीन रूप से विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ पाने की अवस्था में नहीं होते हैं उन्हें इस योजना से त्वरित सहायता प्रदान की जाती है। फिर है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 अगस्त 2014 को हुई है प्रारंभ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार हेतु औद्योगिक उपकरण एवं पूंजी उपलब्ध कराना है। फिर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, 1 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ है। प्रदेश के सभी वर्गों को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फिर है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, 1 अगस्त 2014 से ये भी शुरू हुई है। अनुसूचित जाति की गरीबी रेखा से नीचे के हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। फिर है फ्लैट रेट योजना, 1 अप्रैल 2013 को किसानों को वर्ष में 2 बार 6 माही किस्तों में 1400 रुपये हाउस पावर वार्षिक बिजली के बिल का भुगतान करना तथा शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। फिर है दीनबंधु योजना, जून 2013 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल के संबंध में बकाया बिल की सरचार्ज राशि वितरण कंपनियों द्वारा शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। वह महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, 2012-13 से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को IIT क्लेट NDA की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर इन संस्थाओं में प्रवेश लेने हेतु
50,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान है। फिर है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना 2012-13 से अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विशेष गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। फिर है आलम्बन योजना 23 अप्रैल 2012 से राज्य के वृद्धजनों को मान सम्मान और आदर दिए जाने हेतु है। फिर है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 3 सितंबर 2012 से प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर के निर्धारित तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा के लिए राज्य सरकार सहायता देती है। यह योजना रामेश्वर की यात्रा से प्रारंभ हुई थी। फिर है मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 9 नवंबर 2007 से खेतिहार मजदूरों को प्रसव काल के अवकाश का भुगतान, मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति, मातृत्व भत्ता तथा बेटी के विवाह के लिए सहायता है उससे संबंधित है। फिर है दीनदयाल रोजगार योजना 1 अप्रैल 2004 से शुरू हुई, शैक्षिक बेरोजगारों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु मार्जिन मनी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। फिर है दीनदयाल समर्थ योजना 25 सितंबर 2004 से मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना एवं उन्हें हर दृष्टि से सक्षम बनाना है। फिर है शंखनाद योजना 26 जनवरी 1997 से आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को सहभागी बनाना, याद रखिए शंखनाद योजना 26 जनवरी 1997 से। तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सभी योजनाएं ठीक है 2019 तक अपडेट है।